अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फिश कढ़ाई। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चला ये बनाते हैं। हमारे पास फिश, हाफ के जी फिश है, सुरमई फिश बोनलेस, हमने इस तरह से क्यूब्स कट कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 4 to 5 ग्रीन चिली, 5 to 6 टमाटर। हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें हम पहले फिश को फ्राई करेंगे। फिश को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फ्लेम जो है आप मीडियम रखें। इस तरह आपने फिश को फ्राई करना है। ये देखें फिश का कलर देखें चेंज हो गया है, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। फिश को आपने 10 टू 15 मिनट तक पकाना है, उसके बाद आप इसको निकाल लें। ये देखें कलर चेंज हो चुका है इसका, बस थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लें इसको और उसके बाद इसको आप निकालें। अब इसी में जो है हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। तो अच्छा सा आप अब इसमें आप टमाटर ऐड कर दें। सर टमाटर आपने ऐड कर दें इसको और अच्छी तरह टमाटर को आप पका लें। देखें टमाटर जो है अच्छा खासा पक चुका है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें आप फिश ऐड कर दें जो आपने फ्राई की थी। काली मिर्च, अब इसमें ऐड करें आप ग्रीन चिली, हरी मिर्च, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है इसका। ये देखें ये रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसको आपने 5 से 10 मिनट और इसको लो फ्लेम पे पकाना है। फिश कढ़ाई रेडी हो चुकी है, इसमें आप लेमन जूस लास्ट में, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में जब रेडी हो जाए तो इसमें लेमन जूस आप डाल दें ऊपर से। और गार्निश के लिए धनिया अदरक सब ऐड कर दें। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली फ्रेंड सबको फॉरवर्ड करें।
फिश कढ़ाई रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।